आप लोगों ने इस बंदे को इंटरनेट के ऊपर कहीं ना कहीं तो जरूर देखा होगा, एंड आप में से काफी सारे लोग शायद इसको जानते भी होंगे, एंड जो लोग नहीं जानते हैं वो लोग भी देखो अभी जरा साइड में हो जाए, इससे मिलो। ये एक बहुत ही बड़ा सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, एंड्रयू टेट, एंड ये कॉन्ट्रोवर्सीज में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होता है, एंड इसकी जो कॉन्ट्रोवर्सीज होती है वो मैन वर्सेज वुमेन के टॉपिक में ज्यादातर रहती है। देखो इस बंदे की प्रॉब्लम बहुत बड़ी है, एंड इंटरनेट के ऊपर ये बहुत ही खतरनाक तरीके से लोगों को इन्फ्लुएंस करता है। हाइपर मस्कुलिनिटी, सेल्फ डिसिप्लिन, वेल्थ एंड सक्सेस, एंड क्रिटिसिज्म ऑफ मॉडर्न फेमिनिज्म, फेमिनिज्म के बहुत ज्यादा खिलाफ है भाई ये। देखो यार मैं ना एंड्रयू टेट के बारे में यहाँ पे कोई डॉक्यूमेंट्री नहीं बना रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर मैं किसी और मुद्दे को अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए इस बंदे को पहले तुम्हें दिखाना चाह रहा हूँ, क्योंकि ये बंदा उस मुद्दे से बहुत ज्यादा रिलेट करता है और उसमें बहुत ज्यादा फंसा हुआ रहता है। तो बेसिकली इस बंदे की जो प्रॉब्लम्स है, देखो ये बंदा अपने व्यूज देता है फीमेल इंडिपेंडेंस के ऊपर, ये चाहता है कि फीमेल्स को इतनी इंडिपेंडेंस ना दी जाए जितनी आज के समय में दी जा रही है, एंड पुराने वाला सिस्टम ही वापस आ जाए जहां पर कि मर्द डोमिनेट करते थे सब चीजें। इस बंदे के काफी सारे कॉन्ट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स हैं इस बारे में, एंड वुमेन्स को लेके भी बहुत ज्यादा डेरोगेटरी एंड मिसोजिनिस्टिक रिमार्क्स ये करता रहता है जो कि एक्सेप्टेबल नहीं है। लेकिन इस बंदे का एक बहुत ही ज्यादा अच्छा पॉइंट है, वो है क्रिटिसिज्म ऑफ फेमिनिज्म, क्रिटिसिज्म ऑफ फेमिनिज्म। इस पॉइंट को अच्छे समझाने के लिए पहले तुम लोग ये समझ लो कि यहाँ पर दो तरह की सोच, दो तरह की मानसिकता डेवलप लेती है, पहली तो पैट्रियार्कल एंड दूसरी फेमिनिज्म। पैट्रियार्कल मतलब जहां पर कि मेन सब कुछ डोमिनेट करते हैं एंड उनके अंडर वुमेन्स को रहना पड़ता है, पुराने जमाने वाली सोच है वही। वहीं पर फेमिनिज्म, देखो फेमिनिज्म का मतलब है यहाँ पर पैट्रियार्कल का अपोजिट, बेसिकली पूरी की पूरी इंपॉर्टेंस वुमेन्स को दे दी जाती है। लेकिन यहाँ पर फेमिनिज्म को मैं पूरी तरह पैट्रियार्कल जैसी मानसिकता नहीं बता सकता, क्योंकि फेमिनिज्म का मतलब ये भी हो सकता है कि वुमेन्स अपने राइट्स के लिए आवाज उठाएं। लेकिन असल में यहाँ पर जब ये फेमिनिज्म टॉक्सिक फेमिनिज्म बन जाता है तो यहाँ पर प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। ये शख्स टॉक्सिक फेमिनिज्म के सख्त खिलाफ है, एंड यही इसका एक अच्छा पॉइंट है। अब टॉक्सिक फेमिनिज्म क्या है? ये वो फेमिनिज्म है जहां पर की रोल्स को स्विच कर दिया जाएगा एंड जो मर्द है वो घर के अंदर रहेगा एंड औरत बाहर से कमाकर लाएगी, एंड ये है टॉक्सिक फेमिनिज्म, मतलब कि कुदरत का पूरा कानून ही बदल देना। पैट्रियार्कल कहां पर गलत है? जहां पर कि वुमेन्स को इक्वालिटी नहीं दी जा रही। लेकिन तुम लोग अगर यहां पर बात करोगे बिल्कुल ऐसी ही एक और मानसिकता को ऊपर बढ़ाने की एंड उसे तुम लोग अच्छा बताओगे तो ऑब्वियसली वो बिल्कुल भी सही बात नहीं है। इक्वालिटी इज द बेस्ट। लड़का लड़की जितने भी है अपने अंदर की गिले शिकवे हटाकर कि कौन किससे ऊपर है ये सोचो कि इस दुनिया को आगे कैसे बढ़ाया जाए, साथ मिलकर। बाकी तुम सबका ओपिनियन क्या है इस बारे में मेरे को कमेंट्स में जरूर बताना, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।